हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल नायरा ब्यूटी डायरी। आप सभी अच्छे होंगे आशा करती हूँ। और आज मैं जो रिव्यू लेके आई हूँ वो एक हेयर सीरम का है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दी पैकेजिंग। जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। मैं एक इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, लॉरियल स्मूथ हेयर सीरम। और इसकी जो अंदर की पैकेजिंग है, यू कैन से हेयर दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिंग, क्योंकि ये ट्रेवल फ्रेंडली है। और मैं इसे आपको पुश करके दिखाना चाहूंगी, ये आउट नहीं हो रहा है। इट्स मीन कि आप इसे सेफली अपने ट्रेवल में कैरी कर सकते हो। और मैं इसके आउटर पैकेजिंग आपको हटा देना चाहूंगी, क्योंकि ये थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों मेरी वीडियो को। और इसकी जो प्राइस है वो है 250, और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ml क्वाइट इम्प्रेसिंग, एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स। या सो बाकी की डिटेल्स यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, लॉरियल पेरिस स्मूथ इंटेंस इंस्टेंट स्मूदिंग सीरम, लिव इन ऑर्गन ऑयल, ओके, इंस्टेंटली स्मूदेस्ट, डीपली नरिश, सुपर स्मूथ, मैनेजेबल हेयर फॉर 48 आवर्स, अनमैनेजेबल ड्राई हेयर, ऑल राइट। सो बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पीछे मेंशन कर रखा है इन्होंने। और आप इसे आफ्टर ड्राइंग नेचुरली, अगर आप इसे दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप ड्रायर से अपने बालों को सुखाते हो तब भी आप इसे यूज कर सकते हो। और इसे आप आफ्टर स्टाइलिंग, अगर आपके बाल, आप जो भी आपका हेयर स्टाइल आप बनाना चाहते हो उसके बाद भी यूज कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं डिटेल्स में इसकी, फिर ये आपके हेयर के लिए क्या काम करता है और मैं इसे कब से यूज कर रही हूँ। सो मैंने इसे अभी रिसेंटली में ही परचेज किया है, बट मैं इसे यूज कर रही हूँ 3 ईयर्स से, जी हाँ, क्योंकि ये मेरी अभी न्यू पैकेजिंग है दोस्तों। मैं इसकी पुरानी पैकेजिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ टाइम के बाद। ऐसा ना आप समझो कि मैंने इसे न्यूली परचेज किया और आपके सामने इसका रिव्यू लेके आई हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बाकी के यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे पीछे में इसकी अंदर की पैकेजिंग में लिखी हुई है, जी हाँ। प्रोवेन रिजल्ट 48 आवर्स, मैनेजेबल हेयर, द टेक्सचर एंड शाइन इज इंस्टेंटली रिन्यूड, ओके, इमिडिएटली योर हेयर फील स्मूथ, सिल्की एंड मैनेजेबल। मतलब अगर जैसे ही आप इसे अप्लाई करते हो अपने बालों पे, तो आपको वो इंस्टेंट आपके जो हेयर हैं वो सिल्की एंड शाइनी दिखेंगे। और डायरेक्शन फॉर यूज इन्होंने बताया है, अप्लाई ऑन टू वॉश्ड और ड्राई हेयर, टू ओपन फ्लिप ओपन द कैप, सेवरल ड्रॉप ऑफ सीरम इन टू द पाम ऑफ योर हैंड फॉर लॉन्गर हेयर, मोर सीरम में भी रिक्वायर्ड, ओके, रब हैंड्स टूगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूट इवनली अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द हेयर, डू नॉट रिंस आउट। मतलब इसे यूज करने के बाद आपको अपने बालों को वॉश नहीं करना है, जी हाँ। और बाकी के डिटेल्स आपको आउटर पैकेजिंग में मिल जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा है, ट्रांसफॉर्म्स अनरूली हेयर टू स्मूथ मैनेजेबल हेयर, ओके। सो ऑल राइट, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं इसे 3 ईयर से यूज कर रही हूँ और मैं इसका रीपर्चेस काफी बार कर चुकी हूँ। मुझे इतना पसंद है ये हेयर सीरम। मेरी जो हेयर टाइप है, एज यू कैन सी हेयर, थोड़ी सी आप देख सकते हो फ्रिजी है, और ये मेरी ओरिजिनल हेयर नहीं है। आई मीन से कि ये मेरी ओरिजिनल हेयर है, बट अभी मैंने इसे स्ट्रेट कर रखा है, जी हाँ, आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे अपने बालों में स्ट्रेट रखना ही पसंद है। थोड़े बहुत स्ट्रेट किए हैं क्योंकि मैंने कल किए थे स्ट्रेट, और ये अभी आपको थोड़ा बहुत अभी रिजल्ट दिख रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लॉरियल हेयर सीरम आप ट्राई करना चाहते हो, लॉरियल पेरिस का, तो आप एक बार जरूर ट्राई करो। अगर आपकी जो बाल हैं बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ट्रस्ट मी, ये बहुत काफी अच्छा सीरम है आपके हेयर, जो भी आपका हेयर टाइप है। जैसा कि डब्बे पे भी मेंशन कर रखा है और आप देखोगे यहाँ पे भी मेंशन किया है कि जो भी आपकी हेयर टाइप है दोस्तों, आप अप्लाई करोगे आपकी जो बाल है वो सुपर डुपर स्मूथ हो जाएंगे, जी हाँ। और आपको रिग्रेट महसूस नहीं होगा कि आपने कोई गलत सीरम का चुनाव किया है, क्योंकि मुझे लिवॉन भी काफी पसंद है। लिवॉन हेयर सीरम भी मैं अप्लाई करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ग्रीन चूड़ियां पहन रखी है, आप देख सकते हो, क्योंकि सावन में ऐसा महत्व है कि चूड़ियां, जो ग्रीन चूड़ियां होती है वो काफी
क्या बोल सकते हो, शुभ होता है पहनना सुहागनों का जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं। तो मैंने भी ग्रीन चूड़ियां डाली हुई है, और अगर आप मेरी चूड़ियों की कलेक्शन देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए बात करते हैं लॉरियल सीरम के बारे में और डिटेल्स में। मैंने जो इसे फर्स्ट टाइम परचेस किया था तो मेरी जो बाल थी बहुत ज्यादा कर्ली थी, अभी भी है, क्योंकि कभी मैं आपके सामने अपनी जो ओरिजिनल जब मैं बाल को अपने वॉश करती हूँ तब मेरा जो हेयर होता है वो कैसा होता है वो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। मेरी जो हेयर होती है वो पूरी आप एज अ नूडल्स बोल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मेरी जो बाल होती है वो वॉश करने के बाद बिल्कुल नूडल्स बन जाती है, और बहुत लोग काफी लोग पसंद भी करते हैं कि मुझे ऐसे बाल चाहिए, बट मुझे पर्सनली कर्ली बाल नहीं पसंद है, मुझे स्ट्रेट रखना ही पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को मेरे कर्ली बाल ही अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो मैं परमानेंटली नहीं करवा पाती। सो जब आप कोई भी आपका हेयर टाइप है आप अप्लाई करोगे, आप ट्रस्ट मी काफी स्मूथ और अच्छा सीरम है। आपको बस अपने बालों को वॉश करना है और आफ्टर ड्राइंग, और गीले बालों पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं तो ऑलमोस्ट सीरम अप्लाई करती हूँ वो गीले बालों पे ही अप्लाई करती हूँ, जी हाँ, क्योंकि मुझे काफी कंफर्टेबल होता है गीले बालों पे अप्लाई करना। आप ड्राई हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हो। तो एक चीज और बताना चाहूंगी दोस्तों कि अगर आप आपकी बाल कर्ली हैं और आप स्ट्रेट करते हो तो आफ्टर स्ट्रेट अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आपके जो बाल हैं वो कम डैमेज होंगे। जी हाँ ये सच है, क्योंकि मैं खुद स्ट्रेट करती हूँ अपने बालों को ऑलमोस्ट, और मैं उसे आफ्टर स्ट्रेटनिंग मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ और मेरे जो बाल हैं वो सुपर डुपर स्मूथ हो जाते हैं। जी हाँ काफी अच्छे हो जाते हैं। सो यही बोलूंगी कि अगर आप लोरियल पेरिस का स्मूथ इंस्टेंट स्मूदिंग सीरम ट्राई करना चाहते हो तो एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, देन प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल नायरा ब्यूटी डायरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।